नहीं जाओगे इधर से, उधर से चेक कर, इधर से जाएगा कौन? इधर से केवल आर्मी पर्सनल। तो ये तो पुलिस की गाड़ी, ये तो पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी। क्या जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री की नहीं मानी जाती? रोकते हैं आप दिल्ली जाते, जिस वक्त जाते हो कहीं पे कोई रोकता है आपको? रोक टोक होती है भाई? हाँ सर, रोक टोक होती है। हाँ जी। लोग यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं, ये पैदल चल के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इन्हें बस यहाँ पर उतारेगी, उसके बाद जब ये लखनपुर का ये टोल प्लाजा क्रॉस कर लेंगे उसके बाद इन्हें जाके बस मिलेगी। दूसरी तरफ भी अगर आप टोल प्लाजा के देखेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि भारी संख्या में लोग जो हैं इस टोल प्लाजा को पैदल क्रॉस करते हैं और पैदल अपने सूटकेसेस लेकर उस तरफ आपको चलते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो गाड़ियों के लिए भी दो रास्ते बनाए गए हैं, आपको एक रास्ते से गुजरना है और उस रास्ते पर पुलिस का कर्मी आपको रोकेगा, आपसे पूछेगा क्या आपने पर्ची बनवाई है, जब आप उसे पर्ची दिखाएंगे तो ही आप इस टोल प्लाजा को क्रॉस कर पाएंगे। पर्ची नाम हो, पास नाम हो, नाम बदला जा सकता है लेकिन मकसद एक ही है, मकसद यह है चेक करना कि यहाँ से आ जा कौन रहा है। जब हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर जो अनलॉकडाउन के आदेश दिए उसमें कहा कि किसी भी तरीके का पास जो है वो आप आम लोगों से नहीं मांग सकते, आप लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब कोविड अनलॉकडाउन हो चुका है लेकिन अनलॉकडाउन के बावजूद भी जब ये होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कह दिया कि इंटर स्टेट मूवमेंट पर, इंटर स्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाना अलाउड नहीं है, तो किस तरीके से लखनपुर में लोगों से ये पर्चियां मांगी जा रही हैं। आप देखें कि हमने जब जानने की कोशिश की आम लोगों से कि क्या उनसे पास मांगा गया, क्या उनसे पर्ची मांगी गई, उनका क्या कहना था? रोकते हैं आप दिल्ली जाते, जिस वक्त जाते हो कहीं पे कोई रोकता है आपको? रोक टोक होती है भाई? हाँ सर, रोक टोक होती है। हाँ जी। अच्छा, कोई पास वास चाहिए होता? हाँ, पास तो लेना पड़ता है यहाँ से। अच्छा, पास लेना पड़ता है? जी सर, पास। फॉर्म भरा हुआ? फॉर्म भरा। हाँ। कोई टेस्ट वेस्ट करवाया? नहीं। मगर फॉर्म क्यों भरा, कोई बोला इन्होंने क्यों? नहीं, कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो आपने नहीं बताया कि होम मिनिस्ट्री की तो गाइडलाइन है कि कोई आपने ना तो पास पूछना है ना कोई और चीज पूछनी है? नहीं, ऐसी तो मैंने बात पूछी नहीं, मेरे को जल्दी पड़ी है। अच्छा अच्छा। वहीं दूसरी ओर एक अलग लेन बनाई गई है जिस पर सीआरपीएफ के कर्मचारी आपको रोकते हैं और ये कहते हैं कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, ये रास्ता केवल आर्मी पर्सोनल के लिए है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजर सकती है। जिस टाइम तो मूवमेंट हो उस टाइम पे आप आम आदमी को उस रास्ते से जाने से रोके तो समझ में आता है, जिस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं है क्यों एक रास्ते को ब्लॉक किया गया है कि आम आदमी वहां से नहीं गुजर सकता? ये जानबूझकर एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? नहीं जाओगे इधर से, उधर से चेक कर, इधर से जाएगा कौन? इधर से केवल आर्मी पर्सनल। तो ये तो पुलिस की गाड़ी, ये तो पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी, पुलिस और कैसे जाएगी पुलिस की गाड़ी? जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं, आम नागरिकों को दूसरी लाइन से जाना है, पुलिस और आर्मी के लोग जो हैं वो कोरोना फ्री हैं। आप भारत के का जो संविधान है, जो सरकार है उसके अधीन हो या उसके अधीन नहीं हो, सरकार के वो कर रहे हो, आप अधीन नहीं हो क्या भारत सरकार के? हम क्या बोले, इधर से रास्ता नहीं उधर से रास्ता। सब काम करने वाले कर्मियों का ये कहना था कि अभी भी इंटर स्टेट बस की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रही क्योंकि बसेस को पुल के उस तरफ रोका जाता है और उसके बाद लोगों को पैदल बस से उतरकर जो है इस एरिया को क्रॉस करके आना पड़ता है और यहाँ से फिर दूसरी बस लेनी पड़ती है। जहाँ तक बात करें उन बसेस की जिनमें लोग जो है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कटरा जा रहे हैं, उनको लेकर भी ये कहा गया है कि अगर बस के पास परमिशन होगी तो ही बसेस को यहाँ से गुजरने दिया जाएगा। अब मैंने कहा नाम बदल के आप परमिशन को पर्ची कहें, पर्ची को पास कहें, लेकिन मकसद तीनों का एक ही है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना और पता रखना कि आखिर यहाँ से गुजर कौन रहा है। आम लोगों के लिए नई दिक्कत पैदा करने की ज़रूरत क्या है जब होम मिनिस्ट्री कह रही है कि किसी भी तरह की रुकावट लोगों की मूवमेंट में पैदा नहीं करनी है? क्या जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री की नहीं मानी जाती? क्या खास तौर पर लखनपुर पर होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स एप्लीकेबल नहीं होते? आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? लखनपुर में अगर रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया है तो फिर ये पर्ची वाला मामला क्या है? तो फिर आम लोग पैदल क्यों क्रॉस कर रहे हैं लखनपुर टोल प्लाजा को? और आखिर जब रैड का टेस्ट नहीं कंडक्ट करना, कोविड का टेस्ट कंडक्ट नहीं करना, कोई पास की ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्ची बनाकर लोगों का जो नाम है, इन्फॉर्मेशन है, उसे इकट्ठा करने का मकसद आखिर क्या है? क्या जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस बात का जवाब देगा कि इस समय में भी जब सब कुछ खुल चुका है, सिनेमा हॉल तक खुल चुके हैं, उस समय में लखनपुर के इस टोल प्लाजा पर आम लोगों के लिए
दिक्कत क्यों बनाई जा रही है, परेशानी क्यों बनाई जा रही है, और ये पर्ची वाला मामला आखिर है क्या?